ओंकारं संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंदकुंदा देवजेन्द्रमुस्त मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रदानम सर्व धर्माणां जिनम जयतु शासनम त्रैकाल्यम द्रवषट्कम नोपसहितम जीवषट्कायलेस्या पंचान्निचास्तिकाया व्रतसमिति गति ज्ञान चारित्र भेदा इत्ते तन्मोक्ष मूलम त्रवन्मयते प्रोक्तम अर्धवीरीसै कृतेति श्रत्य धाति स्पृशति च मतिमानया सवै सुखदृष्टि सिद्धे जयप्रसिद्धे चौव्यवहारिणा फलम पत्ते वंदिता अर्हन्ते मोक्षम आराहना कंसो उज्ज्वलं उज्ज्वलं निर्वाणं सारणं चणिच्छरणं दंशरणानि चरितं तवाणिम् आराहिणा भणिया मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विस्तृतत्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। उमा स्वामी आचार्य विरचित तत्वासु जी विराजमान। अपन ने तीसरे अधिकार की स्वाध्याय की प्रारंभ कर रखी है। आइए अपन इसका पाठ करते हैं। अपन ने दो सूत्रों का स्वाध्याय किया था, तीसरे का करेंगे। पहले दो सूत्रों का पाठ करते हैं। रत्न सरकरा बालुका पंक धूम तमो महातमा प्रभा भूमियो घनाम्बु बाताकाश प्रतिष्ठा सप्ता द्रोधा तासु त्रिंशत् पंच विंशति पंच दस दस त्रि पंचो नैक नरकसत सहस्राणी पंच चैव यथा क्रमम। अब आज पढ़ते हैं आगे। नारका नित्या सुप्तर लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रियाः परस्परो दीरित दुखा संक्लिष्टा सुरोदीरित दुखाच प्राग चतुर्थ्याः। कल अपन ने चर्चा की थी कि जो नारकी जीव हैं वे कहाँ रहते हैं, उन्हें बिल कहते हैं, कितने प्रकार के बिल हैं, कितने प्रकार के पटल हैं। तीन प्रकार के बिल थे, इंद्रा श्रेणीबद्ध और पुष्प प्रकीर्णक। ऐसे तीन प्रकार के बिल थे जो कि 84 लाख की संख्या में अलग अलग पृथ्वियों पर, सात नरक रूप पृथ्वियों पर विराजमान है और असंख्यात संख्यात योजनों के विस्तार वाले हैं और 8-8 योजन 2-2 चतुर योजन की गहराई वाले हैं। ऐसे नरकों का वर्णन अपन ने पढ़ा था। अब आइए आज देखते हैं नारकियों के दुखों का वर्णन पढ़ते हैं कि नारकियों को वहाँ पे किस प्रकार का दुख रहता है। कि अधोलोक की भौगोलिक स्थिति का वर्णन करने के उपरांत अब वहाँ रहने वाले नारकी जीवों के दुखों का वर्णन करते हैं। तीन सूत्र यहाँ पर है। पहला देखिए, नारकी जी सदैव ही अत्यंत अशुभतर लेश्या अशुभतर परिणाम अशुभतर शरीर अशुभतर वेदना और अशुभतर विक्रिया को धारण करते हैं। क्या कह रहे हैं? नारका नित्या नित्याशुभतर लेश्या कि नित्य अशुभ अशुभतर मतलब अशुभ में भी जो और ऊपर एक प्रकार से उत्कृष्ट कह सकते हैं अपन अशुभ में मंदतर कंपैरेटिवली ज्यादा से ज्यादा तुलनात्मक रूप से ज्यादा। तो नारकियों को नित्याशुभ तर लेशिया अशुभ तर लेशिया होती मतलब कृष्ण लेशिया होती है। फिर परिणाम कैसे होते हैं कि अशुभ तर उससे ज्यादा निकृष्ट परिणाम दूसरे कोई के नहीं होते। फिर देह कैसी होती है कि अशुभ तर इससे गंदी देह कोई दूसरी नहीं होती। फिर अशुभ तर वेदना कि इस तरह की वेदना और कहीं पर नहीं होती। और आखिरी में अशुभतर विक्रिया की विक्रिया तो है लेकिन किस काम में आ रही कि दुख में निमित्त बन रही। तो ऐसी इतनी सारी चीजों को अशुभतर रूप से वो धारण करता है। ये तीसरे सूत्र में था। चौथा में परस्परो दीर्घ दुखा कि नारकी जी परस्पर एक दूसरे को दुख उत्पन्न करते हैं। वे निरंतर परस्पर में लड़ते झगड़ते रहते हैं।
क्या कह रहे हैं कि परस्परो दीरिता दुखा, कि परस्पर में एक दूसरे से को दुख देते हैं, उत्पन्न करते हैं और आपस में लड़ते झगड़ते हैं। और जो पांचवा है वो संक्लिष्टा सुरोदिर दुखाच प्राग चतुर्थया, कि क्या कह रहे हैं कि उन नारकियों को चौथी पृथ्वी से पहले अर्थात तीसरी पृथ्वी पर्यंत अत्यंत संक्लिष्ट परिणाम के धारक अम्बावरीस आदि जाति के असुर कुमार देवों के द्वारा दुख दिए जाते हैं। अर्थात अम्ब और अम्बरीस असुर कुमार देव है जो कि तीसरे नरक तक जाकर नारकी जीवों को दुख देते हैं, तथा उनके पूर्व के बैर का स्मरण करा करा कर परस्पर लड़ाते हैं और दुखी देखकर प्रसन्न होते हैं। इसका नाम है संक्लिष्टा सुरोदिरित दुखाच प्राग चतुर्थया। प्राग चतुर्थया क्या होता था? चार के पहले, प्राग मतलब पहले, तो चार के पहले मतलब तीसरे नरक तक। और लिखा है ना सुरोदित किशोर असुर, असुर संक्लेश परिणाम को धारण करने वाले जो अम्बरीस अम्बावरीस मतलब अम्ब और दो थे ना अम्ब और अम्बरीस, ये जो असुर कुमार जाति के देव है तीसरी नरक में जाकर नारकी जीवों को दुख देते हैं, अर्थात उनको पूर्व का बैर वगैरह याद करा करा कर परस्पर लड़ाते हैं और फिर उन्हें दुखी देखकर प्रसन्न होते हैं। आज हम प्रक्षाल कर रहे थे ना, तो पीछे वो कपड़ा धोने के लिए गए नीचे पहुंचने का, तो बेचारा एक कोई शारद विक्षिप्त सा होगा, एक समझदार आदमी उसको तंग कर रहा था, वो बेचारा ऐसा पेंट ऐसा पकड़ा था अच्छे से लगा भी नहीं पा रहा था, पीछे से आए कहीं ऐसे मारे ऐसे कर रहा दुखी हो रहा है, वो ऐसे खुश हो रहा ऐसे से, तो बेचारा जान लगा तो फिर गाड़ी मोड़ के आए, फिर वो ऐसे से कर रहा। मैंने कहा देखो यही जीव कैसे खुश हो रहा है दूसरे को कष्ट देकर, अब यही नरकों में सागरों कष्ट पाएंगे। ये बड़े बड़े लोग ये पंचम काल में फोटो में चिपके हैं, पेपरों में चिपके हैं, ये सब नरकों की टिकटें लेके आए हैं, क्योंकि खोटे खोटे काम कर रहे हैं और फिर संसार मिल रही है तो खूब पापानुबंधी पुण्य लेकर आए और उसका फल खोटा आता। अब आज उस पेपर में एक घटना थी कि अभी वो होने वाला आईफा के अवार्ड का प्रोग्राम होने वाला है इंदौर में मार्च के महीने में, तो एक विभाग ने सांस्कृतिक विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने कमलनाथ जी से प्रार्थना करी कि कड़कनाथ खिलाए जाए वहाँ सबको। कड़कनाथ समझते हो? एक विशेष प्रजाति के मुर्गे जो एमपी में डेवलप होते हैं और वो उनका नाम कड़कनाथ रखा है। तो बोले आप कृपा कर वहाँ पे सब मेहमानों को कड़कनाथ भोजन में परोसें, उससे उनकी ब्रांडिंग भी होगी और उन्हें टेस्टी लगेंगे तो और अधिक मात्रा में उनका मध्य प्रदेश से बाहर भी व्यापार बढ़ेगा। अब हमने कहा बताओ एक मुख्यमंत्री बन जाओ, और बोले उनने उसको ट्वीट किया तो वो जो मंत्री थे विभाग के हनी सिंह बघेल उन्होंने उसको रीट्वीट किया, उनने कहा हाँ ऐसा होना चाहिए, तो उनने अपनी तरफ से लिख के भेजा उनको मुख्यमंत्री को। अब मुख्यमंत्री कहेंगे ऐसे साइन कर देंगे ऐसा होना चाहिए, तो जितने कटेंगे पिटेंगे सब मुख्यमंत्री के खाते में जुड़ेंगे। अब आप ले लो पद, कौन सा पद चाहिए तुम्हें? ऐसे ढेर सारे पद भरे। अभी अंडे बच्चों को आंगनबाड़ी में अंडे खिलाने का था, पूरी कैबिनेट ने सर्वसम्मति से बिल पास किया, तो पूरी कैबिनेट जितने मर रहे जीव सब चलो मैं कोटा में जोड़ रहा। इसलिए आज के राजा और पहले के राजा में बहुत अंतर हो गया। आज तो राजा नरेश नहीं बिल्कुल नरक कपा दे वो, इसलिए। और ये बुरी बुरी दशा देखो कैसी कैसी दशा आ रही है, कोई कुछ नहीं देख रहा सामने। ये तो कभी कभी ऐसा लगता है ये भी अपना भाग है कि कम से कम परिणामों के फल हमारे सामने प्रस्तुत तो है, नहीं तो हमें तो पता भी नहीं चलता कि कौन से परिणाम का कौन सा फल आ रहा हो और व्यक्ति उसी में लगा रहता। देखो अब पढ़ते आगे ना, नारकी जीव स्वभाव से क्रूर स्वभाव वाले होते हैं, एक दूसरे को देखते ही उनका क्रोध भभक उठता है और वे एक दूसरे को मारने काटने लगते हैं, उनका शरीर वैक्रियक होता है, वे उस वैक्रियक शरीर से ही नाना प्रकार के आयुध बनाकर उनसे
दूसरे नारकियों को पीड़ा पहुंचाते हैं। अब क्या कह रहे हैं, पहले पहला वाला जो था ना, तो इस एक पैराग्राफ में दादा ने सारी बातें उसकी समेटने का थोड़ा सा प्रयास किया है। लेशा वगैरह की चर्चा आगे भी है, तो देखो बहुत सारी बातें सीखने जैसी हैं। जैसे देखना, उनको एक अशुभ लेशिया है, अशुभतर लेशिया है, कृष्ण लेशिया में भी टॉप पर है वे। तो वो जीव उसी जाति का नेचर लेकर जन्मते वहाँ पर। अब तुम सोचो कि नरक में जाए और नहीं लड़े तो वह ऐसा जीव ही नहीं पहुँचता, उसको लड़ने के परिणाम आएंगे, मारने के परिणाम आएंगे, बैर ही ख्याल में आएगा। कितने जीव ऐसे होते जिनका आपस में कोई पुराना उदय हो तो उनको बैर ही ख्याल में आता है, बुरी बुरी बातें ख्याल में आएंगी, कभी अच्छे नहीं लगेगी। स्त्री का पति के साथ पुराना बैर हो तो वो नेचुरली अच्छा मूड में भी आएगा, तो घर में आते साथ सुनो हमने आपके लिए आज वो बूट की सब्जी बनाई है कि दिमाग खराब कर रही, बूट की सब्जी कोई खाने की होती है, और वो उसे लड़ने लगेगा। ऐसे ही उदय का खेल, ऐसे नेचर वाइज ऐसे जीव आते हैं। कुत्ते को कोई ईर्ष्या करने की शिक्षा नहीं देता, अलग से आपस में वो दूसरे कुत्ते को देखेगा तो ऐसे ही देखता है, देखा कैसे। ऐसे ये जीव वहाँ ऐसे ही जन्म लेते हैं, जो भी जाएगा वो इस तरह की संकलेशता से ही गुजरेगा, बाई प्रोडक्ट वहाँ पे जीव लड़ा कर पहुँचते हैं लड़ने मिलने वाले। कई बार अपन बच्चों को देखते हैं, कोई बच्चा उदंडी ही आता है, कुछ भी हो, पहले के बच्चे थे, 10-10 बच्चे थे, उनको ऐसा उदंडता थी ही नहीं, नेचुरली नहीं थी कि बेटा तुमने लड्डू खाया कि नहीं, तो मम्मी वो छोटू आया वो दो ही लड्डू खा गया, तो बेटा तुमने मना नहीं किया, मम्मी खा रहा लड्डू, कछु के नहीं रहा लड्डू चला गया। और आज के ज़माने में दूसरे को कुछ ही मिले कि तूने दीदी के साथ ऐसे किया कि करूँगा, तो वो मुँह में ऐसे लड़ान का पना भरा कि लड़ने ही तैयार बैठा। जीव ही आते हैं ऐसे, नारकी जीवों का नेचर ही, लेकिन ना क्रूर स्वभाव वाले, क्रूरता ही भरी है। अब कहा सम्यक दर्शन, ऐसे कहना बहुत आसान होता है कि असंख्याते हैं, कितनी मुश्किल सौदा है। असंख्याते हैं तो न जाने कौन सी योग्यता है जो है, और तो कौन सी भली योग्यता पकी थी तो उन्हें प्रकट कर लिया, बाकी ऐसी परिस्थितियों में कैसे जीवन जिया जाता होगा। एक दूसरे को देखते ही उनका क्रोध भभक उठता है, प्रेम आता ही नहीं है, प्रेम भरी बातें ख्याल में आती ही नहीं है। आप आज देख लो सेमीफाइनल तो यही चल रहा है ना, तो यहाँ पे देख लो, अपन कोशिश करो प्रेम से रहे हुए, बहू सास प्रेम से रहे हुए, देवरानी जेठानी प्रेम से रहे, भाई भाई प्रेम से रहे, नौकर नौकर प्रेम से रहे, लेकिन नहीं रहेंगे। उनको जब भी कुछ दिखाई देगा खोट दिखाई देगी, लड़ने के साधन दिखाई देंगे, भैया वो कहाँ गया, घूमता रहता है, दूसरे की बुराई करे घूमता रहता है, और तुम क्या करते रहते हो, तो उसको उल्टी उल्टी बातें देखेंगे। अच्छाई भी करे तो सास तीर्थ यात्रा पे गई हो, कहाँ गई सास, घूमने की लत पड़ी, मतलब वो ये नहीं कह सकते कि भाई माँ है वंदना करने चली गई, अच्छी बात नहीं कहेंगे। ऐसे परिणाम ही नहीं आएंगे कि अच्छी बातें ख्याल में है, उल्टी उल्टी बातें ख्याल में आएंगी, क्रोध की बातें आएंगी, भड़कने की बातें आएंगी, और वे एक दूसरे को मारने काटने लगते हैं। देखते साथ ही ज्वाला भड़कती है, जिससे जो हाथ पार पैर सब विक्रिया से बन जाते हैं, तो जो जैसा देखा उसको वैसे उड़ाया सामने से, कोई कोई मरा हुआ तो नहीं, कोई दया का किंतु नहीं आवेदन, और इतनी देर बैठने की व्यवस्था नहीं है, क्या दशा होती होगी, कभी आधे घंटे एक घंटे की सामायिक करो और एक एक बातों का चित्रण पीछे सामने तो पता चले कि क्या होता होगा। कहना बड़ा आसान होता है कि सेमर तरु बैठ के देखो, सेमर तरु ऊपर से जाता होगा, दो टुकड़ा होते हुए शरीर के, वेदना पूरी। आज हम लोग कल भोजन नहीं किया था ना, तो आज भोजन किया तो एकदम दुकान पर गए तो गैस सी बनी पेट में, खाली रहा होगा कल 24 घंटे, तब हमने कहा कितनी वेदना होती, फिर ख्याल आया बहुत से लोग बेचारे इससे परेशान रहते, भैया गैस की कोई इलाज बताओ, बहुत गैस बनती, तो अपन कहते हैं हाँ भैया देख लो, कल उसको ऐसे लेते सही, अपने को बीती तब पता चले ना कि कितनी वेदना होती है एक एक चीजों में। ऐसे ये अब खांसी है तो जिसको खांसी चल रही वो रात रात भर कैसे
ऐसे करवटे बदलता रहता होगा, पता चल रही ना वेदना, ऐसी एक ही चीजों को फील करके देखो, तब आपको पता चलेगा कि आप बहुत गफलतबाजी में अपने समय खराब कर रहे हो, कुछ दम नहीं रखी है। मौन हो जाए जी संसार का स्वरूप देखे तो, गुपचुप हो जाए, सोचता नहीं है, पर इसी को प्राप्त पर्याय में तन्मयता कहते हैं। तो उनके शरीर वैक्रियक होता है ना, वे उस वैक्रियक शरीर से ही नाना प्रकार के आयुध बना लेते हैं, वहां पे कोई अलग से सामान नहीं है, उनका शरीर में विक्रिया रिद्धि होने से वही आयुध अंबर बन जाते हैं, कुछ किसी प्रकार के भी शस्त्र बन जाए, ऐसा हाथ करे तो भाला बन जाए, लेक मारा तो मुंह में घुस जाए, ऐसा ऐसा हाथ किया तो वही हाथ से आरी निकली, ऐसी चीर दी उसने दो टुकड़े कर दिए, जब तक दूसरा आया उसने उसको मसल लिया, तो ऐसे वहाँ पे यही चलता रहता है। उनके हाथ पैर से इस तरह की विक्रिया ही है कि इस तरह की चीजें ही बनेंगी, क्योंकि ऐसे विकल्प आते हैं, तो ऐसे निवृत्त नैतिक संबंध बनते हैं। आज भी कई जीव नहीं ऐसे कि मार दो इसको, काट दो इसको, हमारे मतलब परिचित में है एक, हमारे घर पे पड़ोस में, उनसे जब भी जो भी बात हो मार दो, चीर दो, दो टुकड़े कर दो उसको, उसको छोड़ो मसाले को, ऐसे कर दो वैसे कर दो, जब भी बात आएगी तो ऐसी मार काट के आएगी, बिल्ली बिल्ली दिख जाएगी ऐसे चिल्लाएंगे, मार दो लट्ठी, लट्ठी पकड़ दो, एक बार लट्ठी पटक दो इसके ऊपर, दो टुकड़े हो जाए इसके, हमेशा ऐसी मारना। चूहे देखे तो चूहे को ऐसे लगे कि गोली लिया मारो, पता नहीं पैदा क्यों होते हैं जी, मतलब क्रूरता, क्रूरता भी क्रूरता के परिणाम आते हैं, वहां क्रूरता ही क्रूरता दिखती है, दूसरे परिणाम नहीं दिखते, तो वे आयुध बन जाते हैं और उनसे दूसरे नारियों को पीड़ा, वे आयुध बन जाते तो कोई आयुधशाला में स्थापना करके उनकी एग्जीबिशन नहीं लगती, उनसे दूसरे जीवों को पीड़ा पहुंचाई जाती है, कष्ट दिया जाता है। फिर देखो आगे पढ़ो कोई पैराग्राफ, इसलिए अशोक कुमार नारदेव भी बतुवन वर्ष उन्हें आपस में भरा देते हैं और उनका घात प्रत्याघात देखकर प्रसन्न होते हैं। अब देखो ये कैसी विचित्रता है परिणमन की, कि भवन वासी देव है असुर कुमार जाति के और अम्ब और अम्बरीश जाति के देव, और इनको ऐसा परिणाम आता है कि इनके पास ताकत है पहुंचने की तीसरे नरक तक की, तो ये वहां जाके किसी को निकालने की या संबोधने की नहीं सोचते सीता जैसे, ये वहां जाके उनको भिड़ाने की सोचते हैं, और ये इनको अवधि ज्ञान है तो इनको दिख भी रहा है कि इन परिणामों का क्या फल आएगा, लेकिन ऐसी भाव आ रहे, इसलिए तो गुरुदेव श्री कहते थे कि तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, तुम जो सोच रहे हम ये कर ले कि हम ये कर ले कि हम ये कर ले, वस्तु स्वरूप की तरफ से कह रहे हैं अभी हम ये बात, चरणानियों की नीति की तरफ से नहीं कह रहे, नीति की तरफ से तो ऐसे परिणाम आए तो धिक्कारना अपने आप को, इनसे बचने की कोशिश करना, तो उनको ऐसे परिणाम आ रहे हैं, अवधि ज्ञानी है, देख रहा कि हम दूसरे को लड़ाएंगे बढ़ाएंगे खुश होंगे तो ये रौद्र परिणाम का क्या फल आएगा, हिंसा दंडी रौद्र का, ऐसे परिणाम आते, मतलब आप दूसरी तरफ से देखो प्रकृति कितनी सुंदर है कि तुमने इस तरह के खोटे भाव करे हैं, तो प्रकृति ने एक देव भी ऐसा बनाया है कि जाओ तुम्हें रेफरी का काम करेगा बढ़ाने में, तुम दोनों प्रकृति में ऐसी व्यवस्था भी है, तुमने किसी को पत्थर मारा था या ऊपर से पत्थर गिराया था तो एक पत्थर ऐसा टिका बैठा है शिखर जी में कि दादाजी आए तो हम इनके ऊपर गिरे, ऐसी प्रकृति तुम्हारे परिणामों से बंधी बैठी, तुमने किसी गर्भवती गाय को डंडा मारा था और उसका बच्चा गिर गया था उसके उधर से, तो ऐसा कर्म बनेगा कि तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे गर्भ से गिरने चाहिए, ऐसे उदय के खेल चलते, ऐसी प्रकृति ने बनाई है खेल। अब करते क्या है, उनको कोई कोतूहल है, जैसे व्यंतर जाति के देवों को कोतूहल होता तो वे कोतूहल मचाते, ऐसे उनको कोतूहल, इनको कुछ मिल नहीं रहा उससे, तो कोतूहल है। अपन लोग हम कई बार देखते हैं अपनी परिणतियों में भी, जैसे अपन जा रहे हैं और दो साल ऐसे देख रहे हैं एक दूसरे को, तो अपन खड़े होकर देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या है इनका, नहीं देखते नेक्स्ट स्टेप क्या करने वाले हैं, ऐसे देख रहे हैं
इतने में कोई व्यक्ति आया पानी लेके, अरे यार पूरा क्लाइमेट खत्म कर दिया, उसको पानी डाला हुआ ऐसे करके चला गया, ऐसे कैसे परिणाम है अंदर में। कई बार ऐसा नहीं होता कि वो जैसे तब कोई बच्चा हो वो मोबाइल खेलता हो बहुत, और अपन नहीं रोक पा रहे उसको, तो अपन इंतजार करते हैं आंध पापा को, आंध पापा को, फिर उसके बाद खुश होते रहते, पिट रहा वो खुश हो रहे, अरे उसकी मति ठीक हो जाए, सोचो ना मजा आ रहा, तो मार पिटाई मजा आ रहा, जे लगा अब उस निर्भया मर गई, अब मारो, सब कह रहे मारो उनको, लटकाओ उनको, लटकाओ मारो। अब भाई साहब आज कह रहे थे कि ले उनकी आयु में पूरी नहीं भाई, कोई नहीं मार पा रहा, ले कितने बार बारे निकाल रहे मरे नहीं रहे, उनकी आयु है बचाओ कैसे मरेगी, और लेकिन कितने कर्म बांध रहे। इसलिए प्रकृति के विरुद्ध सोचने के में नहीं सोचना। अभी मां टोडामाजी साहब को देख रहे थे कौन सा प्रकरण था दर्शन मुनि वाला, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि जैसे कोई मुर्दा को जिंदा माने और जलाना चाहे तो व्यर्थ खेत खिन्न होकर दुखी ही होगा, ऐसा है परद्रव्य के परिणमन को अपने अनुसार परिणमाना और परिणमाने की कोशिश करना, बिल्कुल भिन्न है, जो जैसा परिणम रहा परिणम ले दो उसको, अपना दिमाग मत लगाओ। इनको कुछ मिलता नहीं, ये कोतूहल बस जाते वहां पर, और कोतूहल बस जाते लड़ते क्या करते बेचारे, सोचो किसी का सा हल्की सी मंद भी पड़ती होगी तो ये जाके फिर भरा कर देते होंगे, तो थोड़ा ऐसा कोई ठंडा ही पड़ता होगा कि यार ठीक है, अरे क्या ठीक है भूल गए, रोज रात में तुमको पीटता था ये, फिर बड़न लगे ऐसे लड़ाई बड़ा। और उनका घात प्रत्यघात देखकर प्रसन्न हो, सबसे बुरी बात तो जी कि लड़ाई बड़ा है उसके बाद खुश भी हो रहा, क्या बहुत मजा आया, अच्छा मारा तुमने, बस इतनी क्रूर जगह में जाकर उसको इसका आनंद आ रहा, वो भी कोई कम थोड़ी निकला नारकी से, नहीं तो आदमी तो घबरा जाए, सीता तो एटमॉस्फेयर देखकर घबरा के दौड़ लगाया ही थी वापस, फिर कैसे करके अविधि ज्ञान लगा के उन जीवों को पता लगाया और पहुंची उनके पास बामुश्किल से एटमॉस्फेयर में। और ये मासा रोज जा रहे भाई कबड्डी खिलवाने के लिए, अभी मार पिट रहे कट पिट रहे तो उनको बहुत मजा आ रहा है, कितना क्रूर परिणाम होगा इसका, वहाँ देखते होंगे जो चीजें दिखती होंगी आंखों से वो सब विवश तो है ही, उसको देख के खुश हो रहा है। इसलिए भैया अपनी परिणति चेक करना, इस तरह की परिणति तो नहीं चल रही, देखो कितना फर्क पड़ता है। आप कभी कल्पना करो कि ऐसा कौन जीव पहुंच जाता होगा इसमें असुर कुमार में, पूजा भी कर रहा है पाठ भी कर रहा है मंदिर भी आ रहा है, परिणामों में इस तरह की दया भी है, लेकिन अंदर में फिर भी मजा आता है उसको दूसरों को लड़ाने बढ़ाने में, उचका दे एक आध बात ऐसी उचका दे समाज में कि भिड़ जाए पूरी समाज, ऐसा 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 सब चलता रहता है। और पूजन पाठ में भी आ रहा है सब कर रहा है, मंदिर आ रहा है सब कर रहा है, लेकिन अंदर में एक लड़ाने लड़ाने का परिणाम चलता है, होते हैं बहुत सारे लोग, तो वो पुण्य भी बांध रहे हैं, तो पुण्य बांध रहे तो भवन वासी में पहुंच गए, मित्र ऋषि तो थे और साथ में इस जाति की परिणाम लेकर गए तो ये काम करने पहुंच गए, और अब जाएंगे नरक रौद्र परिणाम के फल में। पर ये काम सभी असुर कुमार देव नहीं करते, किंतु अम्बरीश आदि जाति के कुछ असुर कुमार देव ही करते, मतलब सब थोड़े नरक जाएंगे, एक स्पेशल क्वालिटी के देव है अम्बरीश, वो वाले देव ये काम करते हैं, ठीक है ना। पढ़ो आगे, नरकों नरकों के संबंध में कुछ विशेष कहाँ पढ़ने लगी, नरक के जीवों की आयु के बारे में, ऊपर से पढ़ना 104 पढ़ो जब तक आप सुन। पर यह काम सभी असुर कुमार ये तो हो गया उसके नीचे वाला, प्रथम और दूसरी पृथ्वी में कापोत्लेश है, तीसरी पृथ्वी में ऊपर के भागों में कापोत्लेश है और नीचे के भाग में नील लेश्य है, चौथी पृथ्वी में नील लेश्य है, पांचवी पृथ्वी में ऊपर के भाग में नील लेश्य है और नीचे के भाग में कृष्ण लेश्य है, छठी पृथ्वी में कृष्ण लेश्य है और सातवीं पृथ्वी में परम कृष्ण लेश्य है। देखो अपन ने अभी तक सबने ये सुन रखा है कि नरक में सब जीवों कृष्ण लेश्य ही होती है, पर यहाँ पे एक अच्छा खुलासा आया, चूंकि ऊपर लेश्य की चर्चा आई थी तीसरे सूत्र में,
तो दादा ने अच्छा खुलासा किया है कि यह जो पहली और दूसरी पृथ्वी है, रत्न प्रभा और शर्करा प्रभा, उस पे कापोतलेश्या होती है, लेकिन वो अशुभतर वाले स्तर की होती है, कापोत में सबसे खराब। तीसरी पृथ्वी के जो ऊपरी भाग है उनमें कापोत है और निचले भाग में नील है। चौथी में नील, पांचवी में ऊपर के भाग में नील और नीचे के भाग में कृष्ण है, और छठवी में कृष्ण और सातवीं में परम कृष्ण लेश्या है। तो ऐसी अलग अलग पृथ्वियों पर लेश्याओं की स्थिति है, पर ये लेश्या भले इस तरह की हो पर है सब अशुभ, शुभ लेश्या नहीं है, वहां पे अशुभ लेश्या ही है। तो परिणाम होंगे तो हमेशा इस तरह के मारकाट उठा पटक वाले ही होंगे। उसके बाद पढ़ो इस प्रकार नीचे के नीचे नीचे के इस प्रकार नीचे नीचे के नरकों में ऊपर के नरकों से अधिक अशुभ लेश्या होती है, वह भाव लेश्याओं का कथन है। या क्या कह रहे हैं आप कि मतलब आपने देख लिया होगा कि ऊपर से जो जो नीचे नीचे जा रहे हैं त्यों त्यों लेश्याएं और खराब बुरी बुरी होती चली जा रही है, इसलिए आखिर में परम कृष्ण लेश्या आई। तो ये जो लेश्याओं की चर्चा है ये भाव लेश्याओं की चर्चा है, मतलब इस तरह के उन जीवों को भाव होते हैं, बुरे बुरे भाव होते हैं। भाव लेश्याएं निरंतर बदलती रहती पर वे भी तो स्थान के अनुभार ही होती, अनुभार नहीं अनुसार अनुसार ही होती। क्या कह रहे हैं कि अब वो जो अशुभ लेश्याएं हैं या जो भाव लेश्याएं हैं उनमें भी परिवर्तन होता रहता है निरंतर, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वे अपने स्वस्थान को छोड़ के चले, कि पीत वाले को पदम हो जाए, पीत वाले को नील हो जाए, नील वाले को कापोत हो जाए, ऐसा नहीं होगा। कापोत में ही घटबड़ हो सकती है पर कापोत वाली रेंज की होगी। इसलिए तो कहते हैं कि तीर्थंकर का जन्म होता है तो असंख्यात जीवों को सम्यक हो जाता है। क्यों हो जाता है कि वो उतनी देर का स्वभाव आते ही नहीं पूरे जीवन में, उतनी देर की शांतता हुई, उतनी देर शांतता हुई तो इतनी अशांति और कसायों के बीच में वो शांतता भी तो एक स्वभाव है। शांतता को निमित्त पाकर उनका विचार चल पड़ता है कि आज ये छड़बड़ की शांतता कहाँ से आई, अरे देखो आत्मा आराधक जीव का जन्म हुआ, अरे हमने अपनी हम आत्मा होकर हमने अपनी क्या नहीं करी, अरे हम तो आत्मा है, तो उनको स्थिति हो जाती सम्यक हो जाता है। इसलिए अशुभ अशुभ जाति की ही चलेंगी वो, वे अपने स्वस्थान नहीं छोड़ेंगी। कृष्ण वाले को नील नहीं होगी, नील वाले को कृष्ण नहीं होगी, कृष्ण में ऊपर नीचे की रेंज होगी, नील में ऊपर नीचे की रेंज होगी, पर वे एक दूसरे को ड्रॉप करके एक दूसरे रूप में परिणमित तो नहीं होंगी। उन नारकियों के परिणाम शरीर की आकृतियां वेदना और विक्रिया भी नीचे नीचे के नरकों में अधिक अशुभ होते। अब यदि हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो नारकियों के जो परिणाम है जो जो नीचे जाओ और विभत्स होते जाएंगे और खराब खराब होते जाएंगे, एक की अपेक्षा दूसरे में और क्रूर होंगे, दूसरे से और तीसरे। कई बार ऐसा नहीं होता किसी माँ के तीन बच्चे हो तो ये इनका छोटा बच्चा तो बहुत क्रूर है कि तूने बड़ों नहीं देखो, बड़ा बच्चा इनका ऐसा क्रूर है, एक बार मम्मी चटनी लाने में देर हो गई तो ऐसा मुक्का मारा मम्मी को, कान फूट गया। ऐसे तीन बच्चे तो बेही क्रूर है, ऐसे आप एक के बाद एक जो नीचे जाओगे क्रूरता बढ़ती चली जाएगी। इसलिए तो वो सातवें नरक का मिथ्या दृष्टि निकलता है तो नियम से सैनी पंचेंद्री शेर बनता है, शेर बन के वापस फिर सातवें में जाता है। कैसी क्रूरता होती होगी, शेर कैसे बन गया, छठवें में जाता है सातवें मतलब निकल के शेर बनता है, कैसे शेर बना है, परिणाम हुआ इतने क्रूर है तब तो मनुष्य नहीं बना, क्योंकि ऊपर वाले तो मनुष्य बन जाते जी क्यों नहीं बनता मनुष्य जैसे क्रूर परिणाम, इसलिए कहना बड़ा आसान होता है सातवीं नरक चले गए, सात सागर के लिए तीसरी नरक चले गए, एक एक दिन गुजारना कितना मुश्किल पड़ता है। एक व्यक्ति आज हमें मानसिक क्लेश दे दे तो एक रात गुजारना मुश्किल होता है, अपने बच्चा हो पति नहीं हो और बहू हो ताना मारते हो, बच्चे बहू हो बहू मारती रही बच्चा नहीं मारता था, लेकिन आज बच्चे ने बहू की भाषा में बात करी और इस तरह का कुछ कह दिया तो माँ आज रात भर सिसकियां ले रही है,
अब कैसे गुजारे घर में, हम कैसे गुजारे खबर। अब बोलो कितना मुश्किल हो गया एक रात गुजारना। जहाँ कोई नहीं है आपका, वहाँ कैसे गुजारोगे सागर। मारने वाले आएंगे सब, कोई बचाने वाला नहीं आएगा। इसलिए परिणाम भी हीन होते जाएंगे, शरीर की आकृतियां भी विकृत होती जाएंगी, ऊपर की अपेक्षा नीचे नीचे और खराब होंगी, वेदना बढ़ती जाएगी, जो जो नरक बढ़ेंगे वेदना बढ़ती जाएगी। इसलिए ये सब बातों का विचार करेंगे तो बाद वर्तमान जीवन बहुत सादगी का हो जाए। पंडित साहब ने लिखा है उसमें तो मोक्ष प्रकार तक मिलना, ये कर्मों को पहचानता नहीं इनकी शक्तियों को पहचानता है। इसलिए वो बंद से डरे ही नहीं तो निर्जरा को मोक्ष कैसे अच्छा माने। तो जब बंद को बुरा नहीं माने तो निर्जरा को अच्छा नहीं माने तो निर्जरा के उपाय में क्यों लगे, तो वो तो बंद रूपी पैदलता रहता है, कहता रहता है बाबा कुछ है नहीं। एक आध बार किसी के खेत में से चोरी करते हुए डंडा खाए तो दोबारा वहां ना जाए, अब सामने से डंडा खाने की स्थिति तो बन नहीं रही, सुन रहे बस चल रहा है सब काम। मैं देखता हूँ कुछ लोग बहुत जिद्दी हैं, मतलब बड़े पंडित साहब की भाषा में कहें तो कम से कम सुनने की गुंजाइश तो रखो भाई, तो सुनने भी तैयार नहीं रहते हो, अपनी चलाते हो। बहुत ऐसे कठोर जीवों को पृथ्वी का एक मिलने वाली है। अरे तुम्हें अपने जीवन के संबंध में गुंजाइश तो रखो कम से कम, कि कोई आके आपसे कह सके। हम भी जैसे हम ये सब चीजें भेजते हैं, कभी कहीं कुछ चुप भी होती है, कुछ हो जाता है तो व्यक्ति को इतनी गुंजाइश तो है कि भाई भैया को बोलेंगे तो अन्यथा नहीं लेंगे, तो बता देता कि भैया आप वहाँ बैठे थे तो अच्छा नहीं लग रहा था, कि ये नहीं हो रहा था, कि वो नहीं हो रहा था। जैसे गुंजाइश तो रखो, हम कभी कभी सोचते तुम्हें कौन तरासेगा, सिर पे गॉड फादर तो है नहीं कोई। और यही सात आदमियों की बातें अच्छी नहीं लग रही तो कौन टोकेगा तुम्हें गलत सही बात को। और तुम एक बार दो बार टोकेगा और तुम उठपटांग बात करोगे और उससे दूरी बनाओगे तो तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ जिंदाबाद जाएंगे, वो तुम्हें इस तरह के फल मिलेंगे, वहाँ कोई बोलने वाला नहीं होगा। और विक्रिया भी नीचे नीचे के नरकों में अधिक अधिक अशुभ होती है, मतलब विक्रिया समझे हथियार और ऐसे विचित्र विचित्र बने, शरीर और ऐसे विचित्र विचित्र बने, क्योंकि वो नीचे जाके हाइट वाइज सब बढ़ती होगी ना, सब चीजों की डेंसिटी और सब चौड़ाई लंबाई, तो वहां जाके और खतरेल खतरेल चीजें आती होगी और खतरनाक चीज है। जैसे बच्चों के वीडियो गेम रहते हैं ना, तो शुरू में जो होते हैं वो फर्स्ट लेवल पे हल्की चीजें होती हैं, आगे आगे और कठिन कठिन होती जाती है। ऐसा ही चलो पढ़ो उन पढ़ो महिला मंडल में पांचवी प्रति में ऊपर की 2 लाख दिन उष्ण वेदना वाले हैं और नीचे की 1 लाख दिन शीत वेदना वाले हैं तथा छठवीं और सातवीं प्रति के दिन शीत वेदना वाले हैं। अब एटमॉस्फेयर बता रहे हैं कि वह एटमॉस्फेयर कैसा है, मौसम कैसा है, तो चौथी पृथ्वी तक तो सिर्फ गर्मी ही गर्मी है, मेरु समान लोग गल जाए ऐसी शीत उष्णता था। और फिर पांचवी पृथ्वी के 3 लाख बिल में से 2 लाख बिल ऊपर के हॉट है और नीचे का 1 लाख बिल जो है वे ठंड वाले हैं, मतलब गर्मी से भी ज्यादा दुख ठंड में होता है जीव को। गर्मी बर्दाश्त कर लेता है, कपड़ा उतार ले कैसा डल जाए, कुछ भी करके पानी डाल ले, ठंड बर्दाश्त नहीं होती इसलिए मर जाते हैं लोग। ठंड की वेदना गर्मी की वेदना से ज्यादा है। तो पांचवी पृथ्वी के नीचे के 1 लाख बिल और बाकी के छठे सातवीं पृथ्वी पूरी पूरी तरह से ठंडी है, तो वहाँ ठंड की वेदना है। और जीव अपनी मिथ्या मान्यता आत्म संबंधी अज्ञान और कथा भावों के कारण ही दुखी होते हैं। बाह्य संयुक्त तो निमित्त मात्र है, जिनके परिणाम अशोक कम होते हैं, उनके वैसे ही अशोक होते हैं। क्या कह रहे हैं आप कि वस्तुता में नारकी जीव अपनी मिथ्या मान्यता आत्म संबंधी अज्ञान और कसाय भावों के कारण ही दुखी होते, मतलब मिथ्या पर ज्ञान असंयम के कारण ही दुखी है, क्योंकि परद्रव क्षेत्र काल भाव किसी को सुखी दुखी नहीं करता। अब कोई कह सकता है तो फिर आप ये दुनिया भर की बातें क्यों बता रहे थे, तो आप टोडा मल जी साहब का वेदनी संबंधी दुख वाला प्रकरण पढ़ना
उसमें उन्होंने ऐसा लिखा है कि वेदनी और मोहिनी के ऐसे ही कुछ निमित्त निमित्त संबंध बनता है कि जब प्रतिकूल सामग्री बाहर मिलती है तो मोह के कारण ये दुख रूप महसूस करता है और जब अनुकूल सामग्री मिलती तो ये सुख रूप ही महसूस करता है। ऐसे ही निमित्त निमित्त संबंध है। तो जब इस तरह की परिस्थितियां मिलेंगी और आप मोही होंगे तो नियम से दुखी होंगे। इसलिए ये मत सोचना कि वहाँ दुख नहीं है, वहाँ दुख नहीं है, ये क्षेत्र की बात है। लेकिन यदि आपको मोह है तो आप उसमें जुड़ोगे और दुखी भी होगे। लेकिन वहाँ पे देखा जाए तो वो जगह आपको दुखी नहीं करती, आपकी मिथ्या मान्यता दुखी करती है। आप मिथ्या दृष्टि तो देह अपनी मानोगे, देह अपनी मानोगे तो पिटाई लगेगी, तो हमें लगी, कटा तो हम कटे। अब मान्यता बदल जाए तो अनंत कष्ट ये खत्म हो जाए। अब अज्ञानता में कोई आपको भिड़ाए और आप नहीं भिड़ो तो आप नहीं लड़ोगे, नहीं लड़ोगे तो शांति रहेगी। अब लेकिन भिड़ा रहे तो तुम भिड़ रहे कि नहीं, तो तुम्हें अज्ञानता है, तब तो तुम्हें बात सत्य लग रही है। ऐसी कसा है तुम्हारे अनंतानुबंधी कसा है, तो कसा है तो कसा का परिणाम भी दिखाई देगा। तो ये हो गए ना। और बाह्य संयोग तो निमित्त मात्र और परिणाम में अशुभ, अशुभतर, अशुभतम जैसे भी हो उनके संयोग भी नियम से वैसे अशुभ होते। अब जैसे परिणाम होते वैसे संयोग मिलते जाते। जहाँ अशुभतम लेश्या होगी, अशुभतम परिणाम होंगे, वहां पे सातवीं नरक आदि में उस तरह के वो होंगे, वैपंक्स मिलेंगे, परिणाम मिलेंगे, शरीर मिलेंगे, उससे अशुभतर वाली स्थिति में वैसे मिलेंगे। और नॉर्मल अशुभ होंगे ऊपर एक दो वाली में तो वैसे परिणाम होंगे। ऐसे ही निमित्त निमित्त संबंध बनेगा। एक और पढ़ दो। अतः जिन लोगों को नरकों में प्राप्त होने वाले उक्त दुखों से बचने की भावना हो, उन्हें वस्तु स्वरूप को समझने का प्रयास करना चाहिए, अपनी आत्मा को जानना पहचानना चाहिए और कसाय भावों का त्याग में ही समा जाना चाहिए। मतलब ये सब चीजें इसलिए बताई जा रही हैं कि आप इनसे बचने के उपाय में लगो तो आपको सचमुच अपने आत्मा को, अपने को यहाँ से बचाना हो नरकों के दुखों से, तो आप शांति से वस्तु स्वरूप को समझने का प्रयास करो, अपने को आत्मा जानो, मानो, पहचानो, रमो, जमो, जिससे आपकी कसाय मिट जाए, मोह मिट जाए, राग मिट जाए। और जब जो मोह राग देश मिट जाएंगे तो अपने आप ही कष्ट दूर हो जाएगा और उन जगहों पर इनके फलों में भेजा जाता तो वहाँ जाना बंद हो जाएगा। तो अपने आप भावात्मक रूप से भी सुखी हो जाएंगे और क्षेत्रात्मक रूप से भी आप सुखी हो जाएंगे। इसलिए सुखी होने का तो एकमात्र यही उपाय है। हमें संसार की विचित्रता को देखकर सुखी होने के उपाय में लगना चाहिए। इसी मंगल भावना से अभी की बात यही विराम लेते हैं। ओम नमः शिवाय।